वेलकम बैक टू अवर चैनल और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि ये त्यौहार एक सुहागिन के लिए होता है, अपने पति के लिए। तो आप सभी को ढेर सारी विशेष। तो आज मैं जा रही हूँ हरियाली तीज के सेलिब्रेशन में, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। चले चलो, सेलिब्रेशन में आ चुके हैं, तो आइए आपको अपने फ्रेंड्स से मिलवाते हैं कि कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। ये हेलो, और ये लगी पड़ी है, आइए मेरी बेटी। हेलो, तो कहाँ जाना है अभी? हम आगे जा रहे हैं लॉज मिलने और मेरी फ्रेंड के यहाँ पकौड़ा पार्टी है, तो चलो चलते हैं। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं उन्हीं के जिनके यहाँ सेलिब्रेशन है। और मैंने तो पहली बार अटेंड करी हूँ यहाँ पे, तो इनके मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, पार्टी इनके यहाँ होती रहती है। ये छोटे से छोटा भी सेलिब्रेशन होता है ना, ये लोग करते रहते हैं। और हरियाली तीज में आप देख रहे हो कि सब ने ग्रीन पहना हुआ है, मैंने भी ग्रीन डाला हुआ है, मेरे आगे मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं उन सब ने भी ग्रीन डाला हुआ है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इतने टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
जिस दिन हमें पकौड़े खाने को मिलते हैं उस दिन हरियाली तीज होती है। हरियाली तीज वैसे लड़कियां जब शादी के बाद अपने मायके आती हैं तो खुशी का मौसम होता है, सावन में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा पार्वती जी की और शंकर जी की पूजा होती है ताकि हमारा सुहाग अमर रहे, हमारे पति परमेश्वर जिंदगी के लिए इसलिए मनाया जाता है। और झूला इसीलिए झूलते हैं कि मतलब अपने एक उमंग को प्रदर्शित करता है, सावन के मौसम में जो उमंग होती है मौसम में उसको प्रदर्शित करता है। ग्रेट ग्रेट, सही बोला सही बोला। यस हम तो मास्क पहने हैं। सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो तो करना चाहिए, नहीं बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। भाई ये लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब मुंह खोल के घूम रहे हैं। लागे मोर ये देखिए जो झूला झूलने की रस्म है वो हो रही है, सब एक एक करके जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब एक एक करके झूला झूल रही है। ऐसे ही ये सेलिब्रेशन किया जाता है, इसमें खुशहाली का माहौल होता है, सब लोग खुश रहते हैं और देखिए कितने खुश हैं सबके सब। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और क्या करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे मेरी जितनी